साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर एम के जैन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों आज बात करेंगे एनल फिशर। एनल फिशर क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं एवं इसकी क्या उपचार चिकित्सा होगी। साथियों ये वीडियो आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को एंड तक देखें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बताना चाहूँगा एनल फिशर क्या है। जब एनस में, जिसे कि गुदा द्वार भी कहते हैं, इसकी इंटरनल लाइनिंग म्यूकोसा में जब कोई कट या टीयर किसी फ्रिक्शन या ट्रामा की वजह से हो जाता है तो इस अवस्था को फिशर कहते हैं। फिशर किसी भी एज में हो सकते हैं किंतु बच्चों में एवं ओल्ड एज में ज़्यादातर होते हैं। फिशर के कई कारण होते हैं, उसमें से मेन कारण जो है कॉन्स्टिपेशन, ओल्ड डायरिया, अल्कोहलिज्म एम स्पाइस फूड होता है। कॉन्स्टिपेशन के संबंध में मेरा पूर्व में एक वीडियो बना हुआ है, मैं इसमें एक लिंक दे दूंगा, वो आप लिंक खोलकर कॉन्स्टिपेशन के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अब चर्चा करेंगे फिशर के लक्षण क्या होते हैं। जब फिशर बीमारी होती है तो स्टूल पास के बाद में सीवियर पेन होता है, या पेन बर्निंग टाइप का पेन होता है एवं ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग हो सकती है। एनस रीजन में इचिंग हो सकती है, ये मेन इसके लक्षण होते हैं। फिशर से बचने के लिए फाइबर चीज़ें खाना चाहिए, हरी सब्जियाँ ज़्यादा लें, एक्सरसाइज करें, पानी ज़्यादा पिए, नॉनवेज का उपयोग न करें, अल्कोहल का उपयोग न करें। फिशर का डायग्नोसिस मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर किया जाता है एवं फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है। फिशर का डायग्नोसिस प्रॉपर होना चाहिए। कई बार फिशर में, फिशुला में एवं पायल्स में कन्फ्यूजन हो जाता है, जिससे फिशर का डायग्नोसिस प्रॉपर न होने की वजह से इलाज में कई बार समस्या आती है। अगर फिशर का डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाता है तो होम्योपैथी दवाइयों से बहुत इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिशर की क्या होम्योपैथी दवाइयाँ होगी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सल्फर 200 पोटेंसी डाइल्यूशन 2 बूंद सुबह खाली पेट लेना है। इसके बाद में नक्स ओमेगा 200 पोटेंसी रात में सोते समय 2 बूंद एक बार लेना है। इस प्रकार सल्फर सुबह लेना है एवं नक्स ओमेगा नाइट में लेना है। ये दोनों दवाइयाँ एक दिन छोड़कर 15 दिन तक लें। दोस्तों होम्योपैथी की बहुत ही कारगर दवाई नाइट्रिक एसिड एवं रेटानिया है। नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी 2-2 बूंद दिन में 3 बार एवं रेटानिया डाइल्यूशन 2-2 बूंद दिन में 3 बार 2 माह तक लें। दोस्तों एक मदर टिंचर का फॉर्मेशन बहुत ही इफेक्टिव है, जिससे लगभग 80-90% मरीज इस मदर टिंचर फॉर्मेशन से ठीक होते हैं। इसमें 3 मदर टिंचर का उपयोग किया जाता है। एक मदर टिंचर इसमें सीडम एक्रे मदर टिंचर, सेकंड मदर टिंचर है पेवना मदर टिंचर, थर्ड मदर टिंचर है हाइड्रेसिस मदर टिंचर। ये तीनों मदर टिंचर की 100 ml मात्रा बराबर में लेकर एक खाली बाटल मिक्स कर लें एवं इस मिक्स किए हुए मदर टिंचर की 20 ml मात्रा दिन में 3 बार आधे कप पानी में 2 माह तक लें। दोस्तों एक आइनमेंट होता है FP, ये SBL कंपनी का आइनमेंट होता है। इसको स्टूल पास होने से पहले एवं स्टूल पास होने के बाद में NS में अंदर तक लगाना है। इस प्रकार जो मैंने दवाइयाँ आपको बताई है एवं फिशर की बीमारी से बचने के लिए जो आपको मैंने सावधानियां जो बताई है, अगर उनका आप ध्यान देंगे तो आपका फिशर जरूर ठीक होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे अच्छे अच्छे जो वीडियो मैं आपके लिए बना के लाता हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान।